100% वेरी वेरी रेलेवेंट फिल्म, स्पेशली शाहरुख भाई जब भी किसी फिल्म में होते हैं 99 नहीं 100% फिल्म रेलेवेंट ही होती हैं, बहुत रियल होती हैं, बहुत ऑर्गेनिक होती हैं. आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस टू कैच होल्ड ऑफ दीज रूल्स जो बहुत ज़्यादा यू नो नेचुरल और क्लोजर टू लाइफ होते हैं. एंड आई रियली वॉन्ट टू डू स्टफ व्हिच ही इज डूइंग. आई एनवी हिम. आपसे भी काफ़ी लोगों की उम्मीदें बन गई हैं, आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसके बाद में इन उम्मीदों में खरा उतरने की पूरी कोशिश में लगे हैं. हाँ, वेल प्रेशर तो होता है जब आप अपना करियर स्टार्ट करें बहुत बड़ी फिल्म के साथ. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू टेक इट ईजी. एंड जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ. आई एम नॉट यू नो प्लानिंग थिंग्स, सो आई विल जस्ट. हाँ यार, आई डोंट नो, जो कुछ भी जो अच्छी चीजें सामने आएंगी, जो अच्छी जो अच्छे लोग सामने आएंगे उनके साथ काम करना है. दैट्स अबाउट इट. सोनी पे आपने होस्ट किया एक शो मिस्टर सलमान खान के साथ, और वो कैसा मूव, 2 घंटे का शो है शायद, और मिस्टर सुनील ग्रोवर वगैरह सबको लेके आए आप. पूरे देश भर में सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान है, यू नो वो उनकी ऑरा से पता लगता है कि ये सलमान खान है. उनकी आंखों से ऐसा लगता है वो सामने आते हैं, हवाएं चल रही हैं. सो आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर दैट इज़ वेल, लेकिन उनके साथ शूट करने में जो मज़ा आया है, मैं और वो दोनों हंस हंस के आंखों से आंसू आ गए थे. एंड सुनील ग्रोवर, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स वी हैव इन आर कंट्री. कोई एक ऐसा इंसान पूरी इंडस्ट्री में अगर आप मुझे बता दें सुनील ग्रोवर के अलावा जो स्टेज अकेला संभाल सकता है 2-3 घंटे तक, मेरे दिमाग में और किसी का नाम नहीं आता. इट्स ओनली सुनील भाई. आई हैव नोन हिम फॉर 15 ईयर्स नाउ. ही इज़ रियली क्लोज टू माई फादर एज वेल. तो मैं उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करता हूँ. आई डिड दैट शो ओनली फॉर सलमान भाई एंड सुनील भाई. 18 जून को क्या देखने को मिलेगा हमें, मतलब थोड़ा अगर रूपरेखा बताएं आप. 18 जून को आपको बस ट्यूबलाइट होगी हर जगह. मैंने वो भी कवर कर शो के अंदर क्या क्या है. उस शो के अंदर बहुत कुछ है. उस शो के अंदर सुनील ग्रोवर, यार ऐसे बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा. एक ट्रेलर ऑफकोर्स अली असगर, सुनील भाई एंड देन भोसले साहब सब इकट्ठे होके बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं. सुगंधा भी है बीच में, मैं उनका नाम लेने वाला था. एंड साथ में सलमान भाई हैं, सुहेल भाई साथ में हैं. तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर गुलाटी जाने जाने में कर जाते हैं और हमें इतना ज़्यादा हंसा देते हैं. दैट इट्स अनरियल टू बिलीव दैट कि इतना कमाल की कॉमिक टाइमिंग किसी की कैसे हो सकती है. तो कुछ ड्रामेबाजी वहाँ होने वाली है एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप सबको भी देख के मजा आएगा. सबसे बड़ी बात है, मतलब ऑन पैरेलल ट्रैक कपिल शर्मा के शो से इस बार ये शो पे सलमान आए, दैट मेक्स दिस शो ऑल और बिगर. वेल देखो, सलमान भाई जिस शो पे हैं वो शो बड़ा है ही है. और आई थिंक कपिल भाई एंड सुनील भाई बोथ आर रियली टैलेंटेड पीपल. और दोनों में मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है बैक इन द डे. उन्होंने दोनों ने एक साथ भी हंसाया है. आई एम टोटली श्योर कि जब वो अलग 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 प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब भी हमें उतने ही हंसाएंगे. तो हम तो एज ऑडियंस हंसने के लिए बैठे हैं. सो पता चला कि कोई नया शो शुरू कर रहे हैं सुनील ग्रोवर? आई हैव नो आईडिया. आई हैव नो आईडिया. मैं उस शो में सिर्फ इसलिए था क्योंकि सलमान भाई वहाँ पे थे. ट्यूबलाइट को लॉन्च करने था, प्रमोट करना था साथ में. तो मुझे लगा कि ये सब लोग बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है. सुनील भाई सलमान भाई, यू नो अली असगर, एवरी वन, सोहेल भाई, दे आर गेटिंग टुगेदर. एंड मुझे उन्होंने बोला कि शो होस्ट करेंगे आप. मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, सलमान भाई को कौन ना बोल सकता है. वेल ऐसी देर आर कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स आई एम रीडिंग एंड थैंकफुली आई एम इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि मैं इन 2-3 में से क्या करूँ. एक अगर चुननी हो तो बहुत जल्द, आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये स्क्रिप्ट करनी है. तो मैं रीड कर रहा हूँ, भैया से पूछ रहा हूँ कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए. एंड आस पास एक दो फ्रेंड्स और हैं जिनसे डिस्कस कर रहा हूँ. सो एज एंड व्हेन थिंग्स गेट सॉर्टेड सबसे पहले शान भाई आपको बताऊँगा. सॉरी हाँ, ऐसा कमी होता है. जो टी शर्ट उनको पसंद आती है वही मुझे आती है. और तो जो जो उनको पसंद आता है वो मुझे पसंद आता है. थैंक यू सो मच.